जिला परिषद में माडा योजना अंतर्गत 10 मेधावी छात्राओं को प्रदान की स्कूटी। जिला परिषद में प्रत्येक बुधवार होने वाली जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्या का हुआ निदान। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। साथ ही माडा योजना अंतर्गत शिक्षा सत्र 2019-20 की पात्र अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं का स्कूटी वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो, इसके लिए बुधवार को जिला परिषद में जनसुनवाई का आयोजन जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में किया गया, जहां उन्होंने जिला परिषद के अधीन आने वाले 5 विभागों के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा सहित 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित जिला परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी में माडा योजना अंतर्गत शिक्षा सत्र 2019-20 में बेहतर परिणाम देने वाली 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी भेंट की गई। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रामीण छात्राओं को गाँव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसमें आवागमन के लिए परिवहन प्रमुख समस्या रहती है। इसे दूर करने के लिए आज 10 मेधावी छात्राओं का चयन कर उन्हें स्कूटी प्रदान की गई। माडा योजना है, इसमें जो 11वीं क्लास से ऊपर पढ़ रही है बालिकाएं, जो SEO मीणा की जो बालिकाएं हैं, उनको हमने जिला परिषद के माध्यम से स्कूटी वितरण की है, ताकि बालिकाओं को जाने वाने में कष्ट नहीं हो, उनको सुविधा मिले, इसलिए हमारे जिला परिषद की तरफ से ये 10 स्कूटी हमने बालिकाओं को। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी ने बताया कि जिला प्रमुख ने राज्य सरकार की मंशा अनुसार स्कूटी वितरण समारोह के दौरान 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को स्कूटी भेंट की, जिससे उनको उच्च शिक्षा के लिए आवागमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंतर्गत जो मेधावी छात्र होते हैं, जो कक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है और कई जगह पर स्कूटी भी दी जाती है। तो लगभग 10 जो छात्राएं हैं जो मेधावी थी, उनको आज माननीय जिला प्रमुख जी ने जो राज्य सरकार का प्रोग्राम है उसके तहत 10 स्कूटी का वितरण करा है, जिससे कि उनको आने जाने में कई बार जो समस्या रहती है और जो उच्च शिक्षा में बाधक बनती है, उसका जो निवारण है वो हो सकता है।